ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम जैसा खुश नसीब भला संसार में कौन होगा, जिनके समक्ष स्वयं भगवान स्वर्ग का राजभाग्य लेकर खड़े हों, ताज लेकर खड़े हों, तिलक देने को तैयार हों, आह्वान कर रहे हों, आओ बच्चों, योग्य बनकर इस ताज को धारण करो, स्वर्ग की बादशाही का ताज। छोटे छोटे पद पाने के लिए कलयुग में सभी मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, अपने परिवार की पालना के लिए रात दिन लगे रहते हैं। स्वर्ग की राजाई मिल रही है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जहां दो युग तक हमें कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा, ऐसे महान भाग्य को पाने के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं? मेहनत के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए, मनुष्य मटका लेने जाता है पानी का, तो उसे ठोक बजा कर देखता है कहीं पानी बहता तो नहीं, मटका कितना सस्ता है। स्वर्ग की राजाई भगवान दे रहा है तो परीक्षाएं तो आएंगी, ठुकाई तो होगी, ठुकाई होने के बाद ही तो मजबूती आएगी। तो परीक्षाओं से घबराएं नहीं और अपनी खुशी को किसी भी हाल में छोड़े नहीं। भगवान वाच है, पवित्रता सुख शांति की कमी है तो खुशी नहीं रहती, योग में बुद्धि स्थिर नहीं होती तो खुशी नहीं रहती, मन भटक जाता है। पवित्रता के मार्ग पर अब दृढ़ता पूर्वक चलें, संसार के आकर्षणों में फंस कर तो जन्म जन्म देख लिया, अब प्रभु आकर्षण, अब अतिंद्रिय सुख, इंद्रियों के भोग ने कुछ भी नहीं दिया, अंततः दुख अशांति का साम्राज्य बना दिया इस जीवन को। तो हम अपने में पवित्रता भरें, व्रत ले लें, भगवान की आज्ञा है, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हर जन्म में वो हमारा ध्यान रखेगा, हमें मदद करता रहेगा। सुख शांति में रहना अपने हाथ में है, जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे कि इनके कारण हम दुखी हैं, ये हमें अशांत करते हैं, तब तक सुख शांति पर हमारा अधिकार नहीं हो सकेगा। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को सोचना चाहिए, हम चाहें तो शांत रह सकते हैं, हम चाहें तो सुखी रह सकते हैं, अपने सुख को छीनने का अधिकार हमें किसी को नहीं देना चाहिए, बल्कि चैलेंज कर दो, कोई हमें दुख देकर तो दिखाए, कोई हमारी शांति को छीन कर तो दिखाए। हम बहुत शक्तिशाली हैं और जिनके पास सुखों के भंडारे भरपूर हैं, उन्हें ये छोटी छोटी बातें तो खेल लगता है, बहुत छोटी लगती हैं। उन्हें दुख की भावना ही नहीं होती है। तो आइए खुशियों में इस जीवन में डांस करें। ये सत्य है कि खुशी जैसा खजाना दूसरा कोई नहीं है। खुशी और हिम्मत ये जीवन के दो सांस हैं, दोनों नाकों से दो सांस चलते हैं ना, ये दोनों हमारे जीवन के सांस हैं। लक्ष्य बना लें, इन सांसों को हमें बंद नहीं करना है, अन्यथा जीवन जीना कठिन हो जाएगा। हिम्मत का सांस रुकना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते रहें। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे हमारे एक और ज्ञान चंद्रमा माँ, शीतलता की किरणें दे रही हैं, उनके मस्तक से शीतल किरणें मुझे आ रही हैं।
दूसरी ओर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनसे मुझे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। 10-10 सेकंड ले लें, एक बार ज्ञान चंद्रमा से शीतलता की लहरें, दूसरी ओर ज्ञान सूर्य से शक्ति की लहरें। 10-10 मिनट का ये खेल कर ले, 5 मिनट आनंद से जीवन भर जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।